उत्तराखंड में अग्निकाल, सूरज की गर्मी से तप रहे पहाड़, टूटा 122 साल का रिकॉर्ड। वादियों को झुलसा रही गर्मी, देहरादून में 42 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा, 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी। भीषण गर्मी के बीच आई राहत की खबर, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा चढ़ने लगा है। मौजूदा वक्त में पहाड़ में तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री ऊपर चल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उत्तराखंड में मॉनसून 23 से 24 जून को दस्तक दे सकता है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 18 जून से प्री मॉनसून का दौर चलेगा। इस दौरान प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे पहले मैदानी इलाकों में 14, 15 और 16 जून को गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। जब आप 18 तारीख को जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दिख रही है पूरे प्रदेश में, और साथ में हैवी रेन्स भी कद्दूकस जगह में वो दिख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये प्री मॉनसून शावर है ये बहुत ज्यादा इसमें रेन मिल सकती है विद इन शॉर्ट पीरियड में भी, जो है कि 1 से 2 घंटे में जो है 5-7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसी बारिश जो है वो मिल सकती है। तो ये जो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है इस समय जो है। देहरादून में तो रोजाना ही गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। पूरे दिन गर्म हवाएं लोगों को झुलसाती रही, दिन के साथ ही रात को भी गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं। रोजाना बढ़ रहे तापमान की वजह बारिश ना होना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगले 2 दिन भी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं तो जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें करीब 41 से 43 के बीच जो है जो टेम्परेचर जो है इस समय वो चल रहे हैं। और हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे तो 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफी अपने आप में ज्यादा है, 5 से लेकर 7 डिग्री तक के जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजह से और जो कंडीशन अभी बनी हुई है तो अभी 2 दिन और जो है आज और कल अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। पिछले 5 दिनों से दून का पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। सुबह से ही सूरज आग उगल रहा है, चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दिन में लू के थपेड़ों के चलते घरों प्रतिष्ठानों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया और ये पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जून के महीने में 30 सालों में तीसरी बार तापमान इतना पहुंचा है। इससे पहले 3 जून 2024 को 43.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। 2012 में 42.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून 1995 को 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। पहाड़ों में प्री मॉनसून की बारिश ना होने और जलवायु परिवर्तन के चलते मैदानों से लेकर पहाड़ तक भीषण गर्मी पड़ रही है। बारिश ना होने से दिन के साथ साथ रात का भी तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद उत्तराखंड में गर्मी के कहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।